तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एके फोटोग्राफी ट्यूटोरियल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक एडिटिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन कर लेना है। तो आप देख लीजिए, ये इमेज है हमारे पास। तो आपको इसको कोई भी कैमरे या मोबाइल से आपको इस फोटो को क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर हम कुछ इफेक्ट लगाते हैं। तो आपको सबसे पहले बैकग्राउंड कॉपी कर लेना है। फिर इसके बाद आपको फिल्टर पर जाना है। फिल्टर के बाद आपको जाना है कैमरा व्यू फिल्टर पर। तो हम कैमरा व्यू फिल्टर पर चल जाते हैं। तो इसके बाद आपको अपना पीरियड लगाना है। तो हम लगा देते हैं। फर्स्ट नंबर वाला हमने इसको लगा दिया है। तो आप अपनी फोटो देख सकते हैं कितना आ चुका है। तो हम इसमें कुछ लाइट वाइट को थोड़ा डार्क ज़्यादा कर लेते हैं। तो आपको फोटो इफेक्ट्स को थोड़ा बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ाना है, हाईलाइट को थोड़ा बढ़ाना है। इसके बाद आपको ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में कुछ ही इफेक्ट आ चुका है। तो थोड़ा लोड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो पहले से कितनी बेटर हो गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको इसको मर्ज डाउन कर देना है। तो उस पर कंट्रोल जे प्रेस कर वापस फिल्टर पर जाना है। फिल्टर के बाद आपको ओथर पर जाना है। ओथर के बाद आपको हाई पास लगाना है, जिससे कि आपकी फ़ोटो में थोड़ा चमक शाइनिंग आ जाएगी। तो हमको 3.6 आपको हाई पास लगाना है। तो हमने हाई पास लगा दिया है। तो आपको इस ऑप्शन पर जाना है नॉर्मल। तो यहाँ पे करना है आपको विव्ड लाइट कर देना है, जिससे कि हमारी इस फोटो में थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी। तो इसको कर देना है मर्ज डाउन। तो इसके बाद हमारी बारी आती है कि अपने फेस को थोड़ा रिटच कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल जे प्रेस करके लेयर बना लेनी है। उसके बाद आपको मिक्स ब्लर टूल पर जाना है। तो आप ऊपर सेटिंग देख सकते हैं। तो मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो चलिए रिटचिंग स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी रिटचिंग हो रही है। तो आपको जहाँ पर मेन जगह अपन को रिटच करना है स्किन को, तो हम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हम रिटच कर रहे हैं। तो हमने स्किन को रिटच कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको थोड़ा कम करना है, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम करनी है। तो उसको कर देते हैं मर्ज डाउन। तो इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको अपने हेयर पर कुछ वक्त रखना है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन में आपको हेयर पर वर्क करना है। तो मैं थोड़ा हेयर बढ़ा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने हेयर को थोड़ा बढ़ा दिया है। तो आपको उसके बाद ओके करना है। तो आप इसके बाद आपको अपनी आइस पर कुछ इफेक्ट डालना है। तो मैंने इस इफेक्ट बना रखा है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। तो आपको फाइल पर जाना है। फाइल के बाद आपको इसको लोड करना है। तो मैं इसको लोड कर देता हूँ। ये रहा हमारा इफेक्ट। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद आपको अपनी आइस पर आज बाहर
बेटर एडिटिंग सीखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप हमारी वीडियो की